अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले सब भाई दुरूद पाक पढ़ लें। और जो भाई मेरे चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है काइंडली मेरी वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर किया करें, और जो वीडियो देखते हैं सब भाई यार लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है ना। वीडियोस को देख तो लेते हो आप, लाइक नहीं करते हो, तो लाइक से ये है कि चैनल का इंप्रेशन अच्छा जाता है ना नए देखने वालों पे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, और अपने जो राय है कीमती उससे मुझे आगाह ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, क्या मैं बेटरमेंट काट सकता हूँ अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए ना। मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, मुझे पता है उसके लिए आपके तावन की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये बनाता ही मैं पाकिस्तानियों और ख़ासकर गरीब लोगों के बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर आना अब्रोड। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह कोरिया वीज़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जी। पिछले दिनों मैंने वीडियोज़ लगाई हैं जी जापान वीज़ा से रिलेटेड, और आज मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है जी कोरिया वीज़ा से रिलेटेड। और कोरिया क्योंकि मैं 2 साल रहा भी हूँ तो उसके बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको डीपली कोरिया के बारे में बता सकता हूँ। और आगे भी जो पाकिस्तानियों के लिए वीज़े आएंगे ओवरसीज़, तो ये है कि मैं वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर जाएँ और अपना और अपनी फैमिली का मेयार ज़िंदगी बुलंद कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी कोरिया वीज़ा अपडेट से जी। फर्स्ट स्टेप है जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी 1 फरवरी है जी इसकी लास्ट डेट है कोरिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो उससे पहले जो भाई इंटरेस्टेड है कोरिया वीज़ा के लिए वो काइंडली 1 फरवरी तक अपने फॉर्म जमा कराएं। और टाइमिंग है जी 9:30 से OC की, 9:30 से 11:30 मंडे टू फ्राइडे, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। सेकेंड स्टेप है जी, फर्स्ट स्टेप है जी ऑनलाइन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और जाके HBL के किसी भी OEC के अकाउंट में जाके आपने चलान जमा करवाना है, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है जी, आपने जब चलान जमा करवा देना है उसके बाद OEC अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेगी जो जो बंदे सेलेक्ट होंगे ना। तो अगर आप खुश नसीब, आप में से जो भाई खुश नसीब इसमें सेलेक्ट होते हैं तो वो मज़ीद 3,350 रुपये सबमिट कराएंगे। और जो डॉक्यूमेंट साथ सबमिट कराने हैं वो जी पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपका, और उसके बाद जी उसकी कलर कॉपी NSE की कलर कॉपी, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर हैं जी वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक हो गया जी। थर्ड स्टेप है जी इसका, उसके बाद जी आपको लैंग्वेज का टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको फोर्थ स्टेप है जी, लैंग्वेज स्टेप के लिए आपको कोरिया वाले OEC आपको 2.5 से 3 माह की इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे लैंग्वेज की, उसके बाद टेस्ट होगा जी। और लैंग्वेज टेस्ट में 2 पार्ट्स हैं जी इसके, एक तो रीडिंग है जी और एक लिसनिंग है। रीडिंग में 20 क्वेश्चन होंगे जी और लिसनिंग में भी 20 क्वेश्चन है, और इन दोनों के लिए 25-25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 25 मिनट के टाइम दिया जाएगा दोनों मॉड्यूल्स के लिए, लिसनिंग और रीडिंग के लिए। और इसके मार्क्स हैं जी 100-100। और फिर उसके बाद जी स्किल टेस्ट, इसमें से आपने 44 मार्क्स लेने हैं जी, ठीक हो गया। और उसके बाद होगा जी आपका स्किल टेस्ट, वो भी OEC आपको पहले ट्रेनिंग देगी फिर उसके बाद होगा जी ये स्किल टेस्ट। और इसके बाद जी 6th स्टेप है जी, आपको जी जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं आप पास कर लेती हैं सारी चीज़ें, उसके बाद आपको जी OEC कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगी जी कोरिया की जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, जो आपको बुला रही है वर्क वीज़ा के लिए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। वो आपने डिटेल पढ़ लेनी है, ठीक है जी सारी, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और जापान कोरिया की सैलरी है जी मिनिमम 4 लाख है ना, 4.25 लाख मिनिमम सैलरी है, लेकिन मैं कोरिया में रहा हूँ जी कोरिया की सैलरीज उस तब 6 लाख होती थी, ठीक है जी, जब मैं था।
तो कुछ सोचें, आपके कोरिया की सैलरीज बहुत हाई है जी, और कुछ दोस्त तो मेरे कलर का काम करते थे, वो 12-12 लाख पाकिस्तानी कमाते थे, 10 से 12 लाख पाकिस्तानी कमाते थे जी, तो कोरिया की सैलरी रेशो बहुत हाई है जी। तो जापान से तो मैं रिलेटेड बताता ही रहता हूँ, इंशाल्लाह मैं कोरिया की भी अपडेट करता रहूँगा, और जल्दी कोशिश करें आप जी भाई, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप जाके ना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं कोरिया की, और जो भाई सिलेक्ट होंगे फिर मेरे साथ रब्ता करें, और जो इंशाल्लाह फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी कोरिया से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो मैं सारी बताऊंगा, क्योंकि कोरिया मैं 2 साल रहा हूं जी, कोरिया क्या मुझे सारा पता है जी, कोरिया से रिलेटेड मैं कुछ भी किसी बंदे की हेल्प करनी हुई कोरिया में तो वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जितना भाइयों के साथ तावन कर सका वो मैं इंशाल्लाह उनकी हेल्प भी करूँगा, जॉब से रिलेटेड, जॉब ना मिलना, जॉब करवाना उससे रिलेटेड फ्री ऑफ कास्ट अल्लाह की रज़ा के लिए। तो आप भाई भी यार साहब मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो काइंडली मुझे भी सपोर्ट किया करें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और जो भाई वीडियो देख लेते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली यार चैनल तो सब्सक्राइब किया करो आप, इतना तो मेरा हक बनता है, अगर मैं आपकी भलाई का सोच रहा हूँ तो मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। और जो वीडियो भाई मैं लगाता हूँ ना वीज़ा वाली, वो भाई यार आप सब भाई ना उस पर कमेंट किया करो, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो मैं बाकी वीडियोस लगाता हूँ ना ट्रैवलिंग वाली, यार उस पर कमेंट नहीं किया करो ना, फिर मुझे मुश्किल होती है, तो वो फिर आप सोचते होगे कि यार कमेंट का बैक रिप्लाई नहीं करते आप, तो उस पर मैं क्या रिप्लाई करूँ भाई, ठीक है। आप वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हो तो वीज़ा वाली वीडियो पर कमेंट किया करो, और सब भाई अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।